मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बीजेपी कांग्रेस समेत सभी दल पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली शिवराज सिंह चौहान सरकार लगातार घोषणाएं कर मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई है, जबकि कांग्रेस भी सरकार बनने के बाद कई योजनाएं लागू करने का आश्वासन दे रही है। तो वहीं सियासी गलियारों में जीत हार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर एक सर्वे सामने आया है जो बीजेपी की नींद उड़ाने वाला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए एक बार फिर सत्ता की डगर आसान नहीं दिख रही है। चुनाव पूर्व सामने आए सर्वे में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में वापसी के साथ ही ग्वालियर चंबल से लेकर मालवा तक कांग्रेस का दबदबा दिख रहा है। वहीं भाजपा की मध्य प्रदेश की सत्ता से विदाई होती नजर आ रही है। टाइम्स नाउ और नवभारत के ताजा सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में अगर आज विधानसभा चुनाव कराए जाएं, तो इस बार राज्य की कुल 230 सीटों में से बीजेपी को 102 से 110 सीटें जबकि कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। ये सर्वे 20 सितंबर 2023 को किया गया है। वहीं इससे पहले 16 जुलाई 2023 को किए गए सर्वे पर अगर नजर डालें तो बीजेपी को 105 से 115 सीटें जबकि कांग्रेस को 114 से 124 सीटें और 0 से 2 सीटें अन्य को मिलने का अनुमान लगाया गया है। अगर 20 सितंबर वाले सर्वे में वोटिंग प्रतिशत पर नजर डाली जाए तो इस बार बीजेपी को 42.80% जबकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस को इस बार 43.80%, वहीं अन्य को 13.40% वोट मिलने का अनुमान है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में महज 1% का मामूली अंतर दर्शाया गया है, लेकिन सीटों के हिसाब से ये अंतर काफी बड़ा है। ग्वालियर चंबल मालवा में भाजपा की हालत बहुत खराब। सर्वे को अगर क्षेत्रवार देखें तो मालवा क्षेत्र की कुल 66 सीटों में से बीजेपी को 20 से 24 सीटें जबकि कांग्रेस को 41 से 45 सीटें, वहीं अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर नजर डालें तो यहां भी बीजेपी की स्थिति बहुत खराब नजर आ रही है। यहां की कुल 34 सीटों में से बीजेपी को 4 से 8 सीटें जबकि कांग्रेस को 26 से 30 सीटें और अन्य को 0 सीट मिलने का अनुमान है। खास बात यह है कि 20 सितंबर को किए गए इस ताजा सर्वे में भाजपा जहां पहले से कमजोर होती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस और मजबूत होकर उभर रही है। जानकारों का मानना है कि अगर ये सर्वे सच साबित हुआ तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सत्ता से विदाई पक्की है। हालांकि बीजेपी ने 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए इस बार चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों पर दांव लगाया है। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी, फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास, प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर एक से उतारकर बड़ा दांव खेला गया है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी का ये प्रयोग सफल होता है।